ये देखिए, तो जैसे आपको बता रहा था, ये जो होल्डर रहते हैं उतने ड्यूरेबल वगैरह नहीं रहते। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखिए एक वाइट कलर के बॉल्स मिलते हैं तीनों ही लेग में। तो अगर आप बहुत ही स्लिपरी सर्फेस इसको रखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें ग्रिप वगैरह मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब स्लिप वगैरह नहीं होता है। एंड यहाँ पर आप जो एंड्रॉयड है उससे भी कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टीवी। एंड यहाँ पर मेरे पास एक गोरिल्ला पॉड है जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया था। तो चलिए पहले इसको ओपन करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। एंड बात करें इसकी प्राइस वगैरह की, तो अराउंड इसको मैंने 345 रुपीज में परचेस किया है। एंड सबसे पहले हमें बॉक्स अंदर मिलता है इसका इनवॉइस, इसको मैं रखता हूँ साइड में। एंड देखो हमें इस तरह से बॉक्स मिलता है, ये देखिए। यहाँ पर आपको देखिए एक ब्रांडिंग मिलती है टाइगोट की, प्रोफेशनल गोरिल्ला पॉड है। इसका जो साइज वगैरह है वह 13 इंचेस की। एंड इसके अंदर देखिए आपको एक ब्लूटूथ रिमोट वगैरह भी मिलता है। इसका एक दूसरा वेरियंट भी आता है जिसके अंदर आपको रिमोट नहीं मिलता है, उसकी प्राइसिंग अराउंड 290 रुपीज़ रहती है। बट अगर आप यहाँ पर एक ब्लूटूथ रिमोट भी परचेस करेंगे तो इसकी जो प्राइसिंग अराउंड 345 रुपीज़ हो जाती है। बात करें फीचर्स वगैरह की, यहाँ पर आपको देखिए एक यूनिवर्सल स्क्रू मिलता है 1/4 इंचेस का। एंड इसका जो भी स्पीयर वगैरह है रोटेट होता है, इसके जो भी लेग्स वगैरह हैं काफ़ी अच्छे हैं। एंड इसके अंदर आपको एक मोबाइल होल्डर इंक्लूड मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड आप देख सकते हैं सब कौन से गैजेट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसके वारंटी वगैरह की, तो यहाँ पर हमको मिलती है 1 ईयर की वारंटी। एंड आप इसका जो भी इंपोर्टिंग वगैरह देख सकते हैं, एंड यहाँ पर इसका जो प्राइसिंग वगैरह देख सकते हैं आप 1999, बट आप इसको अमेजोन से अराउंड 350 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। एंड इसके देखिए कुछ इसके और भी स्पेक्स वगैरह हैं, जैसे कि इसका जो मैक्सिमम लोड वगैरह है वो है 1 kg का। एंड यहाँ पर जो इसका ट्राइपॉड का गोरिल्ला पॉड का वेट है वो है 120 ग्राम्स। इससे कुछ स्टेप्स वगैरह हैं जो कि मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा इसको कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है। तो चलिए पहले इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर हमें कोई भी सीलिंग वगैरह नहीं मिलती है, नॉर्मल आप इसको इस तरह ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कार्ड मिलता है, देखिए, जो कि प्रमोशनल ऑफर है 50 रुपीज़ कैशबैक के लिए, तो इसको मैं रखता हूँ साइड में। एंड ये इसका रिमोट है, देखिए हमें इस अंदर इस तरह कुछ कार्ड वगैरह मिलता है। एंड यहाँ पर आपको फ्रंट मिलता है प्रमोशन ऑफर के लिए, यहाँ पर आपको मैसेज वगैरह करना होगा कैशबैक वगैरह के लिए। एंड बैक साइड में यहाँ पर आपको देखिए इसका वारंटी का रजिस्ट्रेशन वगैरह है। एंड अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आप इसको 10 दिन के अंदर ही इसको यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं वारंटी को, उसको क्लेम वगैरह के लिए। तो इसको हम रखते हैं साइड में। एंड आते हैं अपने यहाँ पर रिमोट पे, ये देखिए कुछ इस तरह हमें इसके अंदर रिमोट मिलता है। ये है आपका कैमरा ऑन iOS के लिए, एंड ये एंड्रॉयड फोन्स वगैरह के लिए है। यहाँ पर देखिए आपको ऑन ऑफ का स्विच मिलता है। तो इसको मैं आगे अपनी वीडियो में आपको पेयर करके दिखाऊंगा इसका पेयरिंग वगैरह सेटअप वगैरह कैसे रहता है। एंड बात करें सेकेंडरी, तो यहाँ पर हमें देखिए मिलता है एक होल्डर जो कि एक बेसिक्स है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स है देखिए। एंड इसका मैंने एक और परचेस किया था डिजिटेक का, उसके अंदर भी सेम इसके प्रोडक्ट वगैरह थे। तो उसका क्या, जैसा जो होल्डर था उतना अच्छा नहीं था। एंड मुझे भी इसके जो होल्डर क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं लग रही है, आपको एक दूसरा होल्डर वगैरह परचेस करना पड़ेगा क्योंकि आपके फ़ोन को उतने अच्छे से सिक्योर नहीं करता है। मैं आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगा इसका भी जो भी सेटअप वगैरह है। एंड आते हैं अपने मेन गोरिल्ला पॉड पे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह इसके अंदर गोरिल्ला पॉड मिलता है। एंड इसकी जो हेड की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइट आप देख सकते हैं। तो मुझे थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है इसको मूवमेंट वगैरह के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि ये जितना टाइट रहेगा, मतलब जितना अच्छे से स्टडी रहेगा, उतना आपका जो वीडियो वगैरह है उतना स्टेबल आएगा, क्योंकि आपका जो फ़ोन वगैरह उतना मूवमेंट होगा नहीं फ़ोन के अंदर। तो इसका स्टेबल रहना या फिर इसका टाइट रहना काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड बात करें लेग्स वगैरह, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखिए 3 लेग का सेटअप मिलता है। एंड अभी न्यू है तो इसके अंदर इसकी नॉइज़ वगैरह आ रही है। बात करें इसके हेड को रिमूव कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल इसको इस तरह प्रेस करना है। एंड ये देखिए इस तरह स्लाइड हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। एंड अगर आपको इसको इसमें वापस अटैच करना है तो सिंपली इसको इस तरह पकड़ के स्लाइड करना है। ये देखिए आपको एक क्लिक की नॉइज़ आएगी कुछ इस तरह की, तो मतलब अपनी जगह पे अच्छे से होल्ड हो गया है। एंड बात करें इसके जो लेग्स की क्वालिटी वगैरह की, तो इसका जो लेग्स है मतलब अभी तो फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप इसको अपने ब्लॉगिंग वगैरह के लिए परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं, आपको अगर आप किसी चीज़ में होल्ड वगैरह भी करना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप इसको इस तरह किसी चीज़ में होल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, ये देखिए। बट ये उतना हैवी वेट नहीं संभाल पाएगा जैसे आपने देखा। तो अगर आप इसको इस तरह किसी चीज़ में मतलब होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें नॉर्मल फ़ोन वगैरह ये होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ ज़्यादा वेट का कैमरा वगैरह यूज़ करना चाहेंगे तो डेफिनेटली ये देखिए तो इस तरह खुल जाएगा। तो हैवी वेट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसका जो रिव्यू वगैरह भी आपने देखा है इसका up to 1 kg का है, बट आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसमें कोई भी कैमरा वगैरह यूज़ करें। आप इसको नॉर्मली GoPro या फिर अपने जो स्मार्टफोन वगैरह आते हैं उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं,
बट अगर आप यहाँ पर कोई हैवी कैमरा और लगाएंगे तो डेफिनेटली इसके जो लेग्स वगैरह हैं उतने स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको इस तरह नॉर्मली रखना है मतलब स्टैंड पे, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली है, आप इसको बहुत ईजिली होल्ड कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस नहीं हो रहा है, तो आप इसको आराम से 1 kg तक इससे वेट ऊपर रख सकते हैं। बट अगर आपको किसी एंगल वगैरह पे रखना है तो थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप इस पर कोई भी कैमरा वगैरह होल्ड करें। चलिए एक बार इसको आपको कंप्लीट सेटअप वगैरह दिखाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ रिमूव इसके जो पैन को, एंड आपको कुछ इस तरह इसके पीछे अटैच करना है मोबाइल होल्डर के पीछे। यहाँ पर आपको एक स्क्रू की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको इसको एक पर्टिकुलर एंगल पर रखना है तो। एंड ये देखिए कुछ इस तरह हो गया, एंड आपका जो फ़ोन रहेगा इसके अंदर कुछ इस तरह स्लाइड हो जाएगा। ये देखिए, तो जैसे मैं आपको बता रहा था ये जो होल्डर रहते हैं उतने ड्यूरेबल वगैरह नहीं रहते। एंड मैंने सेम एक डिजिटल परचेस किया था, उसके अंदर मेरा जो फ़ोन वगैरह है गिर गया था, तो उसका वीडियो मैं आपको आई बटन दे दूँगा, आप जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो मैं इसका आपको सेटअप कंप्लीट दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह अपने फोन में हो गया, एंड आपको सिंपली इसको इस तरह, अगर आपको यहाँ पर एक ब्लॉगिंग वगैरह करनी है तो आप इस तरह इसको पोर्ट्रेट मोड में यूज़ कर सकते हैं इस तरह। एंड यहाँ पर मैंने एक होल्डर परचेस किया था जो कि स्लोविक का था, उसकी जो वीडियो रहेगी आपको आई बटन में एंड यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं होल्डर का। डेफिनेटली वो होल्डर थोड़ा सा महंगा है, अराउंड 320-330 रुपीज़ का है, बट उसकी जो क्वालिटी है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इस होल्डर से तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। एंड बात करें ब्लूटूथ की वर्किंग वगैरह की, तो मैं चलिए यहाँ से इसको करता हूँ ऑन। ऐप यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइट वगैरह पर ब्लिंक हो रही है, मैं अपने फ़ोन को करता हूँ ब्लूटूथ को ऑन। ये देखिए यहाँ पर आ गया है AB Shutter 3, यहाँ से इसको आप करें ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर कैमरे से भी जो यहाँ पर कैमरा और iOS का, आप उससे भी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे अराउंड 2 सेकंड के लिए तो ये फोकस एडजस्ट करता है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आपको पिक्चर्स वगैरह दिखा देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर एक डिस्टेंस से यहाँ पर फोटो वगैरह खींचना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रिमोट काफ़ी हैंडी हो जाता है। एंड बात करें इसमें बैटरी वगैरह की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बटन सेल इस तरह रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का। तो अगर आपका यहाँ पर रिमोट वर्क नहीं करता तो इसके बैटरी वगैरह चेंज करके भी देख सकते हैं। एंड बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का भी एक होल्डर मिलता है, तो अगर आप चाहेंगे तो इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसका जो रेसिड्यू वगैरह है अभी से निकलना चालू हो गया। तो एक बार इससे मैं आपको प्रॉपर सेटअप दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है। ये तो आपके फ़ोन को आपको कुछ इस तरह इसमें रोटेट करना है, ये देखिए तो आपका एक बन गया एक सेटअप जो कि आप इसको लैंडस्केप मोड में यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से होल्ड करके किसी भी एंगल इसको पकड़ सकते हैं। देखिए तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखिए एक वाइट कलर के बॉल्स मिलते हैं तीनों ही लेग में। तो अगर आप बहुत ही स्लिपरी सरफेस इसको रखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें ग्रिप वगैरह मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब स्लिप वगैरह नहीं होता है। ओवरऑल बात करें मेरे जो रिकमेंडेशन वगैरह की, तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं, इसकी जो क्वालिटी है अराउंड 350 रुपीज़ में यूजेबल है, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं लग रही है। एंड अगर आपको उसको परचेस करना है, इसकी जो बेस्ट बाय लिंक रहेगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से उसको परचेस कर सकते हैं। एंड मैं होप करता हूँ कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, एंड ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड।